हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल सोनम्स लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और दुआ करती हूँ पूरी दुनिया के लिए कि यहाँ पर सभी स्वस्थ रहें और सभी अच्छे रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मेरी वीडियो का टाइटल पढ़कर समझ में आ ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपसे किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आपसे कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में सटीक और सही जानकारी देने वाली हूँ। कोरोना वायरस क्या है, क्या क्या हो सकते हैं इससे संक्रमित होने के लक्षण, और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि आप अपना बचाव कर सकें। कोरोना वायरस से कोई भी अनजान नहीं है, लगभग सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। दुनिया के किस शहर से ये कोरोना वायरस फैला है इसके बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये कहाँ से फैला है। इसके चपेट में बहुत सारे कंट्रीज आ गए हैं। इवन इंडिया में इसके 70+ केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। पर यहाँ पे मैं आपको डराने बिल्कुल नहीं आई हूँ, क्योंकि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। आपको लेना है हिम्मत से काम, दिमाग से काम, और आपको रहने की जरूरत है थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ा सा सावधान। तो दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस है इसके बारे में लोग पहले बिल्कुल नहीं जानते थे। ये पहली बार डिटेक्ट किया गया है 2019 में दिसंबर में, और इसके बाद तो आपको पता ही है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले रखा है। WHO ने इसके बारे में इमरजेंसी घोषित कर दी है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक वायरस हो गया है जिसका ऑफिशियल नाम COVID-19 है, और ये बहुत ही तेजी से फैलता है। तो दोस्तों, आपको इससे घबराने की, पैनिक होने की और टेंशन में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों को कोरोना वायरस के लक्षण पता नहीं होते हैं, तो चलिए जान लेते हैं कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित होने पे आपको हर वक्त सर्दी, खांसी, जुकाम रहता है, आपकी नाक जो है वो बहती रहती है, आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है आपकी, वो कम होने लगती है, हर वक्त थकान सा महसूस होने लगता है, और इसके साथ ही आपको बुखार भी हो जाता है। तो अगर आपके शरीर में इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएं और अपना टेस्ट कराएं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या नहीं है। तो दोस्तों, ये हो गए कोरोना वायरस से संक्रमित होने के लक्षण। तो दोस्तों, आप क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स अपना सकते हैं जिससे कि आप इस तरह के खतरनाक कोरोना वायरस से अपना बचाव कर सके? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने साफ सफाई का ध्यान रखना है। आपको टाइम टू टाइम आपको अपने हाथों को धोते रहना है। धोते रहना है कैसे? आपको जो है अपने हाथों को एटलीस्ट 20 सेकेंड यानी 20 सेकेंड तक आपको इसे धोना है। अपने नाखूनों के आसपास आपको रगड़ रगड़ कर मल करके जो हैंड वॉश होता है या साबुन होता है उससे आपको धोना है, और ये आप टाइम टू टाइम करते रहिए। इसके साथ ही आपके पास अगर ग्लव्स है तो आप ग्लव्स पहन के रखिए, अपने चेहरे पे मास्क लगा के रखिए, और अपने पास एक सैनिटाइजर रखिए जिससे कि आप टाइम टू टाइम अपने हाथों को क्लीन करते रहिए। और मैं तो ये कहूँगी दोस्तों कि अगर आपको पब्लिक प्लेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है तो बिना मतलब के पब्लिक प्लेस पे बिल्कुल मत जाइए। ओपनली बिल्कुल भी खांसीए मत, छींकिए मत। खांसी और छींक आते वक्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कीजिए, और उस टिश्यू पेपर को डस्टबिन में फेंकना बिल्कुल मत भूलिए। इधर उधर आपको बिल्कुल नहीं फेंकना है। साथ ही दोस्तों, अगर आप मास्क लगाते हैं तो मास्क बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ से उतारते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। मास्क उतारना है तो आप यहाँ से उतारिए, क्योंकि यहाँ पे जो वायरस है वो लोडेड हो जाते हैं, और अगर आप उसे टच करते हैं उसके बाद इधर उधर सभी जगह टच करते हैं तो इससे जो वायरस के फैलने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको अपने आँख, नाक और कान को, मुँह को बार बार बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। आपको कुछ दिनों के लिए तो मीट और जो नॉनवेज चीज़ें हैं, अधपका मांस या कच्चा मांस, इस तरह की चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही जहाँ पे मीट कटती है वहाँ पे भी आपको जाने से बचना चाहिए। आपको जंगली जानवरों के संपर्क में भी आने से बचना चाहिए। साथ ही अगर आपके आसपास किसी को सर्दी जुकाम हुआ है या किसी को सांस की तकलीफ है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस ही बना के रखिए, तो आपके लिए ये सेफ रहेगा।
अगर आपको कोरोना वायरस के जो लक्षण दिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सर्दी जुकाम रहने के साथ साथ अगर आपको बुखार होता है, तो आप बिना देर किए हुए डॉक्टर के पास जरूर जाएं। साथ ही ऐसा बैलेंस डाइट लें जिससे कि आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो भी बरकरार रहे, और आप अपने साफ सफाई का भरपूर ध्यान दें। मैं तो अभी यही कहूंगी दोस्तों कि अगर आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत है तभी आप ट्रैवल कीजिए, अन्यथा आपको ट्रैवल करने की बिल्कुल नहीं जरूरत है, क्योंकि ट्रैवल करने के दौरान कई स्टेट से और बहुत जगह से तरह तरह के लोग आते हैं, और वहां पे कैसे इन्फेक्टेड लोग हैं इसके बारे में आपको पता नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी ट्रैवल कीजिए, और ट्रैवल करने के दौरान अपने चेहरे को ढकिए, मास्क लगाइए, अपने हाथों में ग्लव्स पहनिए, साथ ही सैनिटाइजर रखिए, और टाइम टू टाइम अपने हाथों को साफ करते रहिए, धोते रहिए, किसी भी सरफेस को ऐसे यूं ही नहीं छुइए। और अगर आपको खाना खाने की ज़रूरत है तो आप बाहर का खाना जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए, घर का खाना ही खाइए, पैक्ड फूड को खाइए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि आपको बाहर का खाना खाना ही है, तो ऐसे जगह पे आप खाना खाइए जहाँ कि आपके सामने वो खाना प्रिपेयर हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप इन सारे बातों का ख्याल रखते हैं तो आप अपने आप को बचाते हैं। और दोस्तों सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के आप सावधानियों को बरतिए, अलर्ट रहिए, जागरूक रहिए, इसी से आप अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी, हेल्पफुल रही होगी, आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके और लोग अपने आप को सावधान रख सके, अलर्ट रख सके, और इन सारे सेफ्टी मेजर्स को ले सके। और आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं एक ही बात आपको बार बार बोल रही हूं, क्योंकि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो आपको सावधान रहने की, अलर्ट रहने की। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।